जो डोर की जड़ी बूटियाँ जो थी पहले, वो पहले भी अच्छी थी लेकिन अब और अच्छी हो गई है। लेकिन अब डोर 1-2-3 जो है कंपनी की, हमारी तरफ से तो दोस्तों बरेली का टूर चल रहा है और आज मिलना हुआ हमें जाहिद एंड वाहिद भाई से। सबने नाम सुना होगा जाहिद एंड वाहिद का, जाहिद वाहिद आता है, जाहिद वाहिद गोल्ड नंबर 1 आता है आपका, तो काफ़ी फेमस मेकर है और काफ़ी मतलब नामे जान में, मतलब क्वालिटी मेकिंग मांजा मेकिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी डिमांड भी है इनकी। तो आज ये मांजा लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना कलर, देखिए कितना बढ़िया, और खुद अपने हाथ से सोच रहे हैं जाहिद भाई। तो जाहिद भाई थोड़ा सा मिलेंगे हम इनसे, पूछेंगे इनके बारे में, तब तक थोड़ा सा आपको अड्डा दिखाते हैं, थोड़ा सा ये मांजे पे अभी काम कर रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा दिखाते हैं कि लोग कहते हैं कि मेकर अपने हाथ से, तो देखो जाहिद भाई खुद अपने हाथ से मांजे सोचते हैं। तो जो सामने हैं ये हमारे वाहिद भाई हैं, मैं इनका दिखाता हूँ कोई ब्लॉक यहाँ पे अगर मिल जाए तो, मैं आपको पहले इनके ब्लॉक की फ़ोटो दिखाता हूँ कि कौन सा ब्लॉक ये लगाते हैं। तो वाहिद भाई हमें अपने ब्लॉग दिखाया था कि ये है जाहिद एंड वाहिद का जो रहता है, जाहिद इनके बड़े भाई का नाम है और वाहिद भाई खुद अपने हाथों से मांजा लगाते हैं। तो ये कुछ उनके ब्लॉग है, आप ये देखिए, ये जाहिद भाई का ब्लॉग, जाहिद एंड वाहिद गोल्ड नंबर 1 क्वालिटी एंड जाहिद एंड वाहिद, ये देखिए। इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा इनका पुराना वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स रहे हैं। तो अब चलते हैं वाहिद भाई के पास, थोड़ा सा इनसे बात करते, थोड़ा सा पूछते हैं इनके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं मांजे के बारे में। तो वाहिद भाई से मिलवाते हैं आपको। तो वाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। वाहिद भाई थोड़ा सा धूप है, थोड़ा छाए में आएंगे, थोड़ा सा छाए में आइए ताकि थोड़ा सा अच्छे से। हाँ जी वाहिद भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाय दोस्तों, और सब लोग ठीक हैं आप? वाहिद भाई बहुत अच्छे मेकर है, काफ़ी लोग जानते हैं। वाहिद भाई आपकी डोर कहाँ कहाँ जाती है? जी हमारी डोर कोलकाता जाती है, लखनऊ जाती है, बनारस जाती है और हरियाणा जाती है, जयपुर जाती है, बीकानेर जाती है, इन्हीं सब जगहों पर जाती है। वाहिद भाई की मोस्टली वो दुकानदारों के पास जाती है, शौकीनों के पास डायरेक्ट मेरे ख्याल से नहीं जाती है। शौकीनों के पास डायरेक्ट उनके पास से जाती है, जैसे कि ऑनलाइन लोग भेज देते हैं जो मतलब कर रहे हैं। हाँ, आप दुकानदारी को माल देते हैं मोस्टली, हाँ, मतलब हाँ, और सारा आपका जो 1-2-3 का शौकीनों के हिसाब से ही बनता है, टूर्नामेंट क्वालिटी के हिसाब से। तो कितने टाइम से काम कर रहे हैं वाहिद भाई? ये मुझे अपना काम चालू करे हुए हो गया लगभग कम से कम 14 साल। 14 साल लगे, उससे पहले? उससे पहले कारीगरी करते थे सिकंदर उस्ताद के पास, सिकंदर जिनका ब्लॉग आता है सिकंदर 100 के वाला, जो उनके पास से काम सीखा आपने, वो तो हुसैन बाग में रहते हैं, तो वहाँ जाए कारीगरी करते थे पहले, तो ये वो उस्ताद हैं अपने। तो मतलब 15-16 साल आपको काम करते हो गया, तो मतलब इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको है, तो मतलब आपने अब क्वालिटी तो आप समझते हैं कि क्वालिटी आपने देखो चेंजेस बहुत हो गए हैं। पहले डोर की क्वालिटी बड़ी अलग होती थी, मसालों की क्वालिटी अलग होती थी, अभी और अब में ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि पहले ज़्यादा मज़ा आ रहा था आपको? ऐसा है, जो डोर की जड़ी बूटियाँ जो थी पहले, वो पहले भी अच्छी थी लेकिन अब और अच्छी हो गई है। लेकिन अब डोर 1-2-3 जो है कंपनी की, हमारी तरफ से शिकायत है कंपनी के लिए कि डोर अच्छी नहीं बन पा रही है। तो जड़ी बूटियां अच्छी हो गई लेकिन डोर में कमी आ गई है, डोर में कमी आ गई है, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत बढ़ गई कि आपको और मेहनत करनी पड़ी डोर को अच्छा बनाने के लिए? डबल मेहनत करना पड़ रही है अब इस डोर पे। बाप रे, तो डोर भी महंगी भी हो गई, क्वालिटी भी कम हो गई है, उसकी रेट भी बहुत ऊपर पहुंच गया है डोर के 1-2-3 के 700 रुपए के लगभग में, और लेकिन डोर अच्छी नहीं आ रही है, उसमें हमें अब डबल मेहनत और जड़ी बूटियों को ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ रही है ताकि उसमें अच्छा बन पाए माजा। बिल्कुल, बाकी जाहिद भाई मतलब वाहिद भाई की बात करो तो वाहिद भाई डायरेक्ट माल बहुत कम देते हैं, तो डायरेक्ट परेशान ना करें फ़ोन करके चरखी के लिए, एक या दो चरखी के लिए बहुत कम देते हैं, मतलब देते भी नहीं मेरे ख्याल से जल्दी से किसी को भी। ऐसा है, मेरे चरखे बन पाते हैं कुल 4 से 3 तक बन पाते हैं, उसमें लेने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए मैं हर आदमी को दे नहीं पाता हूँ। तो आप मोस्टली दुकानदारों के साथ ही डील कर जाते हैं और खुद अपने हाथ से लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप मांजा खुद अपने हाथ से सूखते हैं या पर्टिकुलर ब्लॉक है जो आप अपने हाथ से लगाते हैं? नहीं नहीं, उस पर हर तरीके पर लगता है, लगाते हैं, और आप हर तरीके की डोर भी लगाते हैं, चाहे वो 84 की हो या 1-2-3 की डोर हो, 84 भी लगाते हैं, जैसा आप मतलब ग्राहक मांगता है वैसा करते हैं। तो वाहिद भाई डोर की महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि डोर की महंगाई से प्राइस बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं शौकीन नाराज है कि डोर महंगी होगी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कंपनी ने डोर महंगी कर दी है और हमें उस डोर अच्छी नहीं आ रही है, तो हमें अपनी जड़ी बूटियाँ भी बढ़ाना पड़ी है, मेहनत भी बढ़ाना पड़ी है, इस वजह से प्राइस बढ़ी है, प्राइस बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो रहता है कि मतलब आपको ही मजबूरी है कि प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो? हमारी है कि प्राइस इसलिए बढ़ रहा है कि एक तो डोर पे कोई भी मतलब अवसर नहीं उठा रहा कि महंगी क्यों हो रही है डोर, और ऊपर से हमें डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ रही है, उसमें
अच्छी जड़ी बूटियां और महंगी से महंगी डालना पड़ रही है डोर की जान बनाने के लिए। बिल्कुल 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 वाहिद भाई, लेकिन शौकीन मानता है कि ना डोर ना 1700-1800 से ऊपर डोर क्यों जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 1700-1800 रुपए की डोर वही जा रही है जो अच्छी बन रही है, जो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो डोर आज भी सस्ती भी है, मीडियम साइज की भी डोरें हैं, लेकिन डोर वही महंगी बिक रही है जो अपने हाथ से आदमी मेहनत करके और जड़ी बूटी महंगी से महंगी अच्छी लगा रहा है, क्योंकि उसमें सामान डल रहा है, उसमें मेहनत हो रही है। महंगा सामान पड़ रहा है, बहुत महंगा सामान हो रहा है, अब हर चीज़ का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। बट आपने एक चीज़ अच्छी लगती है कि आप आज भी दुकानदारों से डील करते हैं, शौकीन से नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ बचा रखी है, क्योंकि सिंगल चरखी वाला काम आपने बचा के ताकि शौकीन इस चीज़ का फायदा ना उठा सके, रेट ना बढ़ा सके, तो आपने ये काम अच्छा कर रखा है। आज भी मतलब मैंने देखा कि आप शौकीनों के पास, शौकीनों को जहाँ तक मैंने भी आपसे बहुत बार ट्राई किया, मेरे को तो रिप्लाई भी नहीं आते, भैया बोलते कि भैया मेरे पास नहीं हो पाएगा, अगर आपको लेना तो उससे ले लो जाके, वो आपको ऑनलाइन कुरियर कर देगा। तो ये थोड़ा सा अभी भी मैं बोलूँगा वाहिद भाई की अच्छी बात है, और वन ऑफ द बेस्ट इनकी जो क्वालिटी ना मानिए कि बहुत अच्छी है। मैं प्राइस की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, सबका अलग अलग प्राइस है, यहाँ पर हर एक की अलग है, लेकिन एक अच्छी डोर बनाते हैं वाहिद भाई, एक अच्छी डोर की कीमत कितनी तक हो सकती है? अच्छी डोर की कीमत हम इस पे वीडियो में तय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि आपने क्या करवाया, कई बार चीज़ों को ऊपर नीचे करना पड़ता है। उसमें ऐसा है, कस्टमर का ये भी कहना होता है कि हमें अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया बना के दीजिए, हम आपको प्राइस अलग देंगे। तो उसके लिए आप अलग से मेहनत करते हैं, अलग से सामान डलते हैं, सामान तो वही डलते हैं लेकिन ऊपर नीचे क्वांटिटी, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है, उससे बढ़ती भी हो जाता है, ज्यादा भी सामान पड़ जाता है और अच्छा सामान भी पड़ जाता है। चलिए, तभी महंगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये रहता है कि क्वालिटी, अगर आपने पैसे लिए तो क्वालिटी उसके हिसाब से क्वालिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि कल को ये ना बोले कि आपने पैसे ले लिए मुझसे इतने, लेकिन क्वालिटी आपने 1800 बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसी आदमी क्वालिटी बनवाता है वैसी ही क्वालिटी बनाई जाती है उसके लिए, हर तरीके की क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, बट आप कहते हैं कि सबसे अच्छी बात है कि स्किल्स पे तो काम करो, पेच पतंग तो आपने काटनी, वो आपकी स्किल्स काटेगी, लेकिन एक अच्छा मांझा भी होता है। नहीं, मांझे में मेहनत तो सभी करते हैं देखिए, लेकिन उसके पतंगबाज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अच्छा लड़ाने वाला है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वाहिद भाई कुछ और आप बताना चाहेंगे, जो मतलब आजकल लोग कह रहे हैं कि मांझा महंगा हो रहा है, तो आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि भैया क्या आपकी भी मजबूरी है, आप ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती बढ़ा रहे हो, नाजायज बढ़ा रहे हो, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर डोर महंगी नहीं होती तो मांझा सस्ता होता, कुछ रेट कम होते। अगर जब 300 रुपये डोर पर बढ़े हैं तो 300 मांझे पर ही बढ़े हैं, और फिर उसको ऊपर सामानों पे भी रेट बढ़ गए हैं। इवन जो कारीगरी, जो सामान, सब कारीगरी पे भी रेट पड़ गए। जो कारीगरी 300 हुआ करती थी वो आज 400 कारीगरी हो गई है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, और जो उसके जड़ी बूटियां हैं वो जड़ी बूटियों के भी रेट बहुत हाई हो गए। कुछ जड़ी बूटियां आती हैं मतलब से भी आती है, तो वो रेट बढ़ गए उन पे। चलिए चलिए चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे। तो ये थे हमारे वाहिद भाई, हमारे साथ जो बता रहे थे डोर के बारे में। इनसे मिलवाने का यही था कि बहुत अच्छे मेकर हैं, बहुत बढ़िया मेकर है, लेकिन बहुत कम आते हैं सामने और बहुत कम बात करते हैं। बाकी वाहिद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए वीडियो पे, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।